भविष्य में इंसानों के पास दो ऑप्शन होता है, एक तो रियलिटी शो जीत के आराम की जिंदगी जियो, या फिर मरने तक स्क्रीनिंग रूम पे लॉक होकर रहो। 15 मिलियन मेरिट्स मूवी की इसी कहानी को लेकर आज हम आलोचना करेंगे। इस मूवी में एक ऐसा भविष्य दिखाया जाता है जहां पर गरीब लोगों को एक ऐसा फैसिलिटी में रहना पड़ता है जहां पर स्टेशनरी बाइक चला के मेरिट कमाना पड़ता है, और उसी मेरिट को यूज करके डेली लाइफ की ज्यादातर जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। सभी छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स के अंदर रहते हैं और वो पूरा बॉक्स असल में डिजिटल स्क्रीन है। उस स्क्रीन में वो लोग शोज देख सकते हैं या फिर गेम भी खेल सकते हैं। हालांकि इन सब चीजों के लिए उन लोगों को मेरिट से पे करना पड़ता है, और उन लोगों को बहुत सारा एडल्ट एड भी दिखाया जाता है, और उन एड्स को स्किप करने के लिए भी मेरिट से पे करना पड़ता है। उन लोगों के जो डिजिटल अवतार होते हैं उसके कॉस्ट्यूम के लिए भी मेरिट यूज करना पड़ता है। उन लोगों को वहाँ से बाहर जाने का अनुमति नहीं था, परंतु कोई अगर बहुत सारा मेरिट खर्चा करके हॉटशॉट नाम की टैलेंट शो के टिकट खरीद सकता है तो उसे उस शो में जाने दिया जाता है, और उस शो में अच्छा परफॉर्म करने से शायद उन लोगों को एक अच्छी लाइफ लीड करने की पॉसिबिलिटी थी। उस फैसिलिटी में बिंग मैथसन नाम का एक आदमी के पास 15 मिलियन के ऊपर मेरिट्स था। वो ज्यादा खर्चा नहीं करता है और उसका डिजिटल अवतार भी एकदम साधारण सा है। वो स्टेशनरी बाइक चलाते वक्त ज्यादातर म्यूजिक सुनता है। दूसरों की तरह टैलेंट शोज और कॉमेडी शोज देखना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर डस्टिन नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बिंग से बिल्कुल अलग है। डस्टिन बहुत ही रूड है और वो बाइकिंग रूम में ही सबके सामने एडल्ट कंटेंट देखता रहता है। स्टाफ्स के साथ बहुत बुरा बिहेव करता है और वहाँ पर जो लोग बीमार होते हैं उन लोगों का मजाक उड़ाता है। फिर स्विफ्ट नाम का एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बाइकिंग के टाइम वायलिन प्रैक्टिस करती है और वो बिंग को पसंद करती है। एक दिन लंच के टाइम बिंग मशीन से एप्पल निकाल के खाने की कोशिश करता है तो वो एप्पल अटक जाता है, और स्विफ्ट बिंग को सिखाती है कि उस एप्पल को कैसे बाहर लाया जाता है, और कुछ जोक्स भी क्रैक करती है कॉन्वर्सेशन बिल्डअप करने के लिए, परंतु बिंग सिर्फ थैंक्स बोल के वहां से चला जाता है। फिर बिंग अपना रूम में जाता है और वीडियो गेम खेलना शुरू कर देता है, पर जब एड आता है तो बिंग फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और आंख बंद कर लेता है। पर स्क्रीन में वार्निंग दिखाया जाता है जहां पर उसे फिर से स्क्रीन की तरफ देखने के लिए कहा जाता है। फिर बिंग अपना मेरिट को देखता है और सोचता है कि आज रात वो एडल्ट मूवी देखेगा। अगले दिन बिंग देखता है उस फैसिलिटी में एबी खान नाम की एक नई लड़की काम करने आई है। उसके बाद बिंग वॉशरूम जाता है और उसे एक सुंदर वॉइस का गाना सुनाई देता है। फिर पता चलता है कि वो एबी ही गा रही थी। बिंग उसको पसंद करने लगता है और बात करना चाहता है, पर वो समझ नहीं पाता है कि क्या बोलना चाहिए। सिचुएशन और भी ऑकवर्ड हो जाता है जब स्क्रीन पे एड आता है और बिंग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद वो लोग काम करने के लिए चले जाते हैं। एबी जब फ्लोर पे आके बाइक चला रही थी तब बिंग बार बार उसे देखता रहता है, तो स्विफ्ट जेलस फील करने लगती है। लंच के बाद एबी भी एक बार बिंग की तरफ देखती है। जब रात को बिंग सोने जाता है तब वो एबी को ही याद करता रहता है, और वो गाना जो वॉशरूम में बिंग सुना था वो बार बार गाता रहता है। उसके बाद जब बिंग उसके स्क्रीन पर हॉटशॉट का एक एड देखता है तो उसको एक आइडिया आता है। दूसरे दिन जब एबी मशीन से एप्पल निकालने की कोशिश करती है तब वो एप्पल अटक जाती है। फिर बिंग उसे हेल्प करता है और बात करना स्टार्ट करता है। एबी की एज 21 है और 21 साल में ही हर किसी को बाइकिंग फैसिलिटी में लिया जाता है, और बिंग को वो ये भी बताती है कि एबी असल में उस फैसिलिटी में जाना चाहती थी जहाँ पर उसकी बड़ी बहन काम करती है, पर वो फैसिलिटी फुल होने के कारण यहाँ पर आ गई। फिर बिंग एप्पल को लेकर सेम जोक्स क्रैक करता है जो कि स्विफ्ट उसके ऊपर दो दिन पहले ही क्रैक की थी। उसके बाद बिंग एबी को बताता है कि वो उसे गाना गाते हुए सुना है और उसकी वॉइस की प्रेज भी करता है, तो एबी कहती है ये कोई बड़ी बात नहीं है, असल में ये गाना वो अपनी माँ से सीखी है। तो बिंग उसे हॉटशॉट में ट्राई करने के लिए कहता है। हॉटशॉट जाने का टिकट के प्राइस 12 मिलियन मेरिट है, तो बिंग बताता है
अगर एबी के पास 12 मिलियन नहीं है तो वो उसे 12 मिलियन दे सकता है। विंग बहुत इंसिस्ट करता है तो एबी मान जाती है। फिर रात को विंग रूम जाके देखता है कि हॉटशॉट टिकट प्राइस 15 मिलियन हो गया है। फिर भी वो टिकट खरीद लेता है और एबी को भेज देता है और उसके बाद विंग के पास सिर्फ 9000 मेरिट बचता है। एबी उस गिफ्ट को देखकर उसके अवतार से विंग को एक किस करने का रिएक्शन भेजती है। अगले दिन विंग और एबी लिफ्ट से उस शो के रिकॉर्डिंग फ्लोर पर जाते हैं। लिफ्ट पर एबी विंग को एक कागज से बना हुआ पक्षी देती है और नर्वस होने के कारण विंग का हाथ पकड़ लेती है। एबी फ्लोर पे जाके बताती है कि विंग उसके फ्रेंड है और उसे सपोर्ट करने के लिए आया है, तो विंग के हाथ में एक टेम्पररी टैटू बना के उसे अंदर घुसने दिया जाता है। फिर वो लोग वेटिंग रूम जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से ही थी। उनमें से कुछ लोग आज ही आए हैं और कुछ लोग हफ्तों से आया हुआ था। हालांकि एबी को ज्यादा देर इंतजार नहीं करनी पड़ती है। उसकी सुंदरता के कारण उसे तभी ऑडिशन देने के लिए चूज कर लिया जाता है। तो ऑर्डर मेंटेन ना करने के कारण ग्ली नाम की एक लड़की गुस्सा हो जाती है, परंतु वो आदमी कहता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो बस ऑर्डर फॉलो कर रहा है। फिर एबी स्क्रीन टेस्ट में दिखाई देती है जहाँ पर उसे कैमरे के सामने कहनी पड़ती है कि वो एक फेमस सिंगर बनना चाहती है। उसके बाद उसे बैकस्टेज लाया जाता है। बैकस्टेज में उसे कप्लियंस नाम की एक ड्रिंक दिया जाता है, पर वो मना कर देती है। तो उसे बताया जाता है कि ये हर एक कंटेस्टेंट को लेना पड़ता है अपना नर्वस सिस्टम को ठीक रखने के लिए। एबी वो पीने के बाद कुछ अच्छा फील नहीं करती है, फिर भी वो स्टेज पे परफॉर्म करने जाती है। वहाँ पर 3 जज थे, होप, चैरिटी और रीत। चैरिटी उसे एनकरेज करती है गाने के लिए, पर रीत उसे बार बार कपड़े उतारने के लिए बोलता है। तो एबी उस बात को इग्नोर करते हुए गाना गाती है जो कि स्विफ्ट को छोड़कर सबको पसंद आते हैं, क्योंकि स्विफ्ट अभी भी उससे जेलस थी। होप और चैरिटी को भी पसंद आते हैं, पर रीत को देखकर लग रहा था कि उसे ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था। इसके बाद होप एबी को बताता है कि एबी के गला ठीक ठाक है पर इतना भी अच्छा नहीं है, परंतु वो सुंदर है तो वो रीत का एडल्ट चैनल में काम कर सकती है। फिर तीनों जज मिलके उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, ये याद दिला के कि यही एक रास्ता है इस बाइकिंग लाइफ को पीछे छोड़ के सक्सेस हासिल करने की, और ये भी कहते हैं कि अभी मार्केट में बहुत सारा सिंगर अवेलेबल है, तो उसे ये जो ऑफर दिया जा रहा है उसे पाने के लिए बहुत लोग लाइन में खड़े हैं। बिंग बैकस्टेज से सब देख रहा था, तो वो जब एबी को बचाने स्टेज की तरफ जाता है तब सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोक देते हैं, और इस तरफ उस ड्रिंक को पीकर एबी को डिजीनेस फील हो रही होती है। सारे ऑडियंस एबी को ये डील एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं और उस ड्रिंक के नशे की वजह से वो हाँ कर देती है, परंतु एबी खुश नहीं दिख रही थी और स्टेज पर ही रो दी। कुछ दिन बाद बिंग को देखा जाता है नॉर्मल लाइफ लीड करते हुए, और जो कुछ भी हुआ उसे लेकर वो बहुत ही दुखी था। बिंग वो कागज का खिलौना अपने मैट्रेस के नीचे छुपा के रखता है जो कि एबी उसको दी थी। बिंग हर वक्त खराब मूड में दिखाई देता है, और खास करके तब जब डस्टिन वो एडल्ट चैनल ऑन करता है और एबी वहाँ पर इंटरव्यू देते हुए दिखाई देती है, और उसके बाद बिंग जंक फूड खाते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि उसके पास अभी ज्यादा पैसा बचा नहीं था। उस दिन शाम को जब वो वीडियो गेम खेल रहा होता है तब एबी के फर्स्ट एडल्ट मूवी की एड आता है। एड को स्किप करने का पैसा बिंग के पास नहीं था तो वो आंख बंद कर लेता है, परंतु इतना जोर से वो वार्निंग अलार्म बजता है कि वो 2-3 सेकंड में ही आंख खोलने में मजबूर हो जाता है। आंख खोलने के बाद वो रूम से बाहर आने की कोशिश करता है, मगर वो दरवाजा एड चलते वक्त लॉक रहता है। एबी को उस तरह वो देख नहीं पाता है तो गुस्से में आके एक स्क्रीन को तोड़ देता है और कांच के टुकड़े फ्लोर पे आके गिरता है। उस कांच से वो अपना टैटू को काटने की कोशिश करता है, तभी उसको एक आइडिया आता है। अगले दिन से वो अपना काम में फिर से फोकस करता है और मेरिट सेव करने लगता है। वो सबसे जल्दी बाइकिंग के फ्लोर में जाता है, बहुत ही कम टूथपेस्ट यूज करता है, और अब वो खाना भी नहीं खरीदता है। जो एप्पल मशीन में अटक जाता है उसे निकल के खाता है। टेबल में अगर किसी का खाना बच जाता है तो वो वही खा लेता है।
शाम को वीडियो गेम खेलने की वजह वो डांस प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देता है और उसके बाद वो सो जाता है। धीरे धीरे वो फिर से 15 मिलियन मेरिट का जुगाड़ कर लेता है और हॉटशॉट के टिकट खरीद लेता है। शो के दिन वो कांच के टुकड़े कपड़े के अंदर छुपा के ले जाता है। वो उस वेटिंग रूम पे जाता है और उसको ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है, तो स्क्रीन टेस्ट में वो बताता है कि वो एक एंटरटेनर है। और बैकस्टेज पे जब उसे वो ड्रिंक दिया जाता है, तब वो एबी का पिया हुआ खाली पैकेट दिखाता है जिसे कि वो छुपा के अंदर ले आया था। उसके बाद वो स्टेज पर डांस करता है। कुछ देर बाद बिंग वो कांच का टुकड़ा निकालता है और अपने गले में रख देता है और बताता है कि अगर कोई उसके पास आने की कोशिश किया तो यहाँ पर खून बहेगा। रित बोलता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु होप और चैरिटी सिक्योरिटी को रोकने के लिए कहते हैं और बिंग को बोलने देते हैं। बिंग पूरा सिस्टम को कोसता है और बोलता है कि कैसे आम आदमियों को इस्तेमाल किया जा रहा है और जजेस को भी अपमान करता है। जब वो बोलना खत्म करता है तब सारे ऑडियंस चुप हो जाते हैं। उसके बाद होप बोलता है कि ये आज तक का सबसे इमोशनल और सुंदर परफॉर्मेंस है, तो फिर से ऑडियंस चीयर करने लगते हैं। होप बताता है कि वो इस मैसेज को उसके चैनल पर दिखाएगा और हर हफ्ते 2 दिन 30 मिनट करके एक प्रोग्राम बिंग को ऑफर करता है। बिंग इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद से हर हफ्ते 2 बार बिंग टीवी पे आता है और सिस्टम को कोसता है। अभी बिंग एक महंगा फ्लैट में रहता है जहाँ पर बहुत सारा लेमन जूस अवेलेबल था और वो एडवर्टाइजमेंट के जगह अपना खिड़की से प्रकृति को देख सकता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एक बीमार आदमी खुद का क्लोन बना के अपने फैमिली के पास क्यों भेजता है, तो राइट साइड के वीडियो पर क्लिक करें। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम रोज ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।